साइगन वाटर बस की राइड करा रहे हैं हम आपको। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका स्टेशन लेंगे के नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश आइडिया। वियतनाम के होंचीमिन सिटी के दिन के ब्लॉग में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और अभी मैं निकल चुका हूं अपने होटल से और मैं आपको कराने जा रहा हूं टूर होंचीमिन सिटी के जो आसपास पर्यटक स्थल हैं उनका। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये हमारा गली में पीछे होटल था और यहाँ मैं रुका था। यहाँ का रूम मुझे पड़ा था 4 लाख डोंग पर नाइट के हिसाब से रूम उन्होंने मुझे दिया है। अच्छा रूम है, रूम आपको दिखा दूंगा, आपने देखा ही होगा। अब चलिए चलते हैं हम यहाँ से आगे और दिखाते हैं आपको, कराते हैं आपको सिटी टूर। ये है वियतनाम की होंचीमिन सिटी की सड़कें। हालांकि मौसम थोड़ा अभी धूप वाला नहीं है, बादल किए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे लोग किस प्रकार से टपरे होते हैं, ये यहाँ पे इस प्रकार बैठ के ऐसे यहाँ पे भोजन वगैरह करते हैं, मतलब चाय पीते हैं और जो यहाँ के स्नैक्स वगैरह, स्नैक्स में कीड़े मकोड़े हैं वो खाते हैं। यहाँ से अब मैं करता हूँ गोजेक। मुझे जाना है कहाँ, मुझे जाना है साइगन रिवर। मैं गोजेक करता हूँ, 34,000 डोंग बता रहा है ये गोजेक भाई। मित्रों यहाँ पे चाहे ग्रेब हो या चाहे गोजेक हो, यहाँ पे एक अच्छा इसमें सिस्टम है। आप इसमें अगर एड्रेस नहीं पता है और आपकी कैब या टैक्सी आसपास है तो आप उसमें आप जहाँ पे वहाँ के आसपास किसी फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं ताकि ड्राइवर को समझ आ जाए और ड्राइवर भी आपको भेज सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि वो कहाँ पर है। ये शायद अपने यहाँ जो टैक्सियाँ हैं ओला यूबर उनमें नहीं है, तो ये फीचर आ जाए तो बहुत बढ़िया यार। करंट की फ़ोटो खींच के भेजो आसपास के, आराम से ड्राइवर समझ जाएगा। बहुत शोर है, बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर, अभी गाड़ी आ जाती तो हमारी गोजेक आ गई है और अब हम इससे जा रहे हैं। देखिए आप, जाम बहुत तगड़े होता है यहाँ पे, दिल्ली क्या है, दिल्ली जैसा ही जाम होता है। हर 5 मिनट में रेड लाइट। आपकी फ्लाइट वगैरह होगी तो सुबह सुबह ऑफिस के टाइम में बहुत पहले निकले, नहीं तो मिस हो सकती है गुरु। ठीक है, ये देखो ट्रैफिक। मैंने रिवर साइड डाला था लेकिन कोई मॉल लैंडमार्क डाला था तो वो मॉल के पास हमें उतार दिया है उनने, जो कि मेरे टैक्सी वाले भाई साहब थे। कोई बात नहीं, आप ना अगर आपके पास टाइम हो तो आप डेल्टा होंचीमिन सिटी का डेल्टा टूर एक दिन का ज़रूर करें, काफ़ी अच्छा टूर माना जाएगा। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ फ्लाइट की अपनी डेट चेंज करूँ क्या, क्योंकि मुझे एक दिन का अगर हो जाता तो मेरे को बहुत ही अच्छा होता। पीछे साइगन का स्काई डेक है, मतलब ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जैसे अपने दुबई में बुर्ज खलीफा है ना वैसे यहाँ का ये मान के चले स्काई डेक है। इसकी टिकट है अप्रॉक्स 2 लाख डोंग, जिसमें आप ऊपर जा सकते हैं और फोटो वगैरह खिंचा सकते हैं और यहाँ ऊपर से पूरे वियतनाम शहर का व्यू दिखता है। तो आप जाना चाहें जा सकते हैं। चलिए मैं आपको इसके अंदर जाके टिकट दिखा देता हूँ।
और भी बहुत सारे यहाँ पे पर्यटक स्थल हैं घूमने को, भी हम जाएंगे लेकिन एक एक करके आपको दिखाएंगे। बाकी हो ची मिन्ह सिटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही क्या उसको बोलते हैं यार, यहाँ का विधानसभा राज्यसभा जो है बिल्डिंग है, शहर है तो क्या है, शहर से दूर जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आगे देखिए रिवर है, इसको बोलते हैं साइगन रिवर, वहाँ पे देखते हैं क्या कोई एक्टिविटी होती है तो वो करते हैं, जो भी होता है बताते हैं आपको। यहाँ पे इधर की ओर मेरे साइकिल रखी हुई है, अगर साइकिल आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं सिटी घूमने के लिए और चला सकते हैं, उसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा ये PNG ऐप आपको अपने फ़ोन में। बारिश आ गई भाई बहुत तगड़े वाली, ये देखो अब मुझे रोड क्रॉस करना है यहाँ पे, देखिए अभी रोड क्रॉस हो जाएगी शायद दिन बत्ती, लेकिन भाई यहाँ मुंबई जैसा सीन है रोड क्रॉस करने के लिए। हालांकि ये ऐसे बने हुए हैं ब्रेकर, लेकिन इस तरह आपको रुकना पड़ेगा, ये देखिए इतनी तेज गाड़ियाँ चल रही हैं, रोड क्रॉस करने दोनों साइड बंदे आ गए हैं, बारिश तगड़े वाली होने लगी गुरु बहुत। तो अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब थोड़ा ट्रैफिक कम हो और कब हम चलें ये रोड क्रॉस करें, ठीक है भाई साहब। यहाँ हाथ देखे बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ता है, ये देखिए ये ट्रैफिक तो मुंबई से भी खतरनाक है, रोकते भी नहीं है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हर तरफ से गाड़ियाँ आ रही, इधर से देखिए वेरी डिफिकल्ट। चलो ये सब देख सकते हैं, फाइनली अब हम आ गए हैं इस हो ची मिन्ह सिटी के साइगन के रिवर साइड घूमने। भाई ये रोड क्रॉस करना बहुत ही खतरनाक है गुरु, अपने इंडिया में तो रुक भी जाते हैं, रुकते नहीं, रेड लाइट बहुत देर बाद होती है, वो हाथ देके गाड़ियाँ चलती रहती है और धीरे धीरे आते हैं यहाँ पर, ठीक है। इधर की ओर देख सकते हैं पूरा बोट है, बोट हो सकते थे अभी बोट पे अपन भी चलेंगे, आगे जाकर टिकट वगैरह लेंगे कहाँ से भी बताएंगे। फिलहाल यहाँ से आगे हो ची मिन्ह सिटी का आप एक बार नज़ारा देख लो गुरु, क्या देख लो नज़ारा। तो भाई साहब मेरे पीछे आपने वो सिटी का नज़ारा देख लिया, अब आगे का नज़ारा देखो, इधर की ओर है ब्रिज, वहाँ से जाके हम साइगन रिवर के सामने कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचाएंगे और देखेंगे आगे क्या क्या है। ये पूरा रिवर है, नाव बोट सब कुछ है, आगे से हम टिकट भी लेंगे और बोट राइड भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से मैं आपको कुछ शॉट दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा दोस्त यहाँ से शॉट आता है, आप यहाँ पर आके अपना फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं, तस्वीरें वगैरह खिंचा सकते हैं। मेरे इधर की ओर देखिए रिवर है पूरा, और रिवर के इधर देखिए किस प्रकार है, कितना अच्छा मतलब सीन मतलब दृश्य आ रहा है गुरु, गर्दा है ना। और इधर की ओर देखेंगे पूरा पानी है, और इधर की ओर देखेंगे तो पूरा सिटी का व्यू, सिटी का दृश्य शोर शराबा, और सामने एक ब्रिज भी है, वो ब्रिज आप देख रहे हैं, वो ब्रिज देखिए मेरे कैमरे की नज़र वहाँ तक जा रही होगी तो देख रहे हैं ना। चलिए इसका शॉर्ट बैक कैमरा दिखा देता हूँ, फिर अपन वो राइड वहाँ चलती है और राइड करते हैं बोट राइड से, रिके बने रहो मजा आने वाला है गुरु गर्दा। तो देख लिया गुरु शॉट, अरे वो शॉट नहीं यार मतलब ये दृश्य। चलिए वहां से अब नाव की टिकट लेते हैं और सफर करते हैं नाव का। तोरा छेदम ये देखिए, यहाँ से तो एक और अद्भुत दृश्य नज़ारा, अद्भुत अति मनमोहक दृश्य, ये देखिए मस्त है गुरु यार। दो दिन रुको हो ची मिन्ह सिटी, बाकी हनोई चले जाओ, बाकी आइलैंड टूर चले जाओ, हनोई जाओ तो जितने टूर लेना चाहोगे, आपका बजट जिस हिसाब से उस हिसाब से आप टूर ले सकते हो, लेकिन हो ची मिन्ह है तो डेल्टा का टूर ज़रूर करें, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए, नहीं तो मैं करता, लेकिन देखता हूँ मूड बनेगा तो आप लोगों के लिए फ्लाइट कैंसिल करके कर भी सकता हूँ मैं, क्या समझे गुरु। कभी कभी यहाँ का मौसम ऐसा है, कभी कभी यहाँ पे बारिश होने लगती है, कभी कभी यहाँ पे कुछ होने लगता है, कभी कभी कुछ होने लगता है,
तो ये सीन है गुरु। वो देखिए आगे बोट का टिकट काउंटर है गुरु, दिख गया, वहाँ से बोट लेंगे और बोट में सब टूर कराएंगे आपको अपने साथ में इस साइगोन रिवर का। मज़ा कितना आता है वो भी बताएंगे आपको, मज़ा आता है नहीं आता वो भी बताएंगे, ठीक है। कहीं मत जाओ, बने रहो, अपना दिन का ब्लॉग भी इंजॉय करो, रात रात का ब्लॉग नहीं, दिन का रात भी इंजॉय, दिन का ब्लॉग भी इंजॉय करो दोस्त। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दारू पीना अगर पाप है तो पापी हूँ मैं, अपनी मर्जी से घूमना पाप है तो पापी हूँ मैं। झूम 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 बेबी बस, झूम 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 बेबी बस। ये अभी पूरा हम वॉक कर रहे हैं दोस्तों, पूरा आगे आप सिप देख रहे होंगे, आप वो सिप के पास से ही हम क्या कहते हैं कि टिकट लेंगे, देखते हैं टिकट का क्या प्राइस है, कैसे क्या सिस्टम है, इसका क्या प्रक्रिया है पूरा बताते हैं। और आगे कुछ कन्याएं हैं गुरु, दिखाते हैं उनको भी आपको, तस्वीरें ले रही हैं। हेलो, नाइस पिक्चर, थैंक यू। काफ़ी सारे यहाँ पे लोग हैं और आगे चलते हैं। अभी थोड़ा पिया खाया होता तो उनसे मौज मस्ती भी कर लेता, लेकिन अभी नहीं, अभी नॉर्मल भाई, दिन का ब्लॉग है, अच्छे लोग दिखते हैं, ठीक है ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे अंकल जी मछली मार रहे हैं, ये यहाँ पे आंटी जी तस्वीरें ले रही हैं, और आगे दिखाता हूँ। अरे बोट बंद है क्या, पता नहीं, सिप शायद बंद है अभी, क्या पता लोग हैं, अब कितने बजे जाएगी ये तो मुझे बाद में पता चलेगा, अभी जाके पूछता हूँ कितने की टिकट है और कितने बजे जाएगी। हेलो हेलो आगे चलते हैं भाई, ये तो कैफे है यार गुरु, लेकिन टिकट वगैरह पता नहीं कहाँ, आगे भी है, ये देखे पूरा इधर की ओर देख रहे हैं ना, ये पूरा बोट वगैरह जाने का, ये सब देख रहे हैं, ये पूरा जेट्टी है, यहाँ से बोट वगैरह के लिए टिकट ले सकते हैं। ये स्पीड फेरी टर्मिनल है, लेकिन शायद ये लॉन्ग रूट के लिए लगता है यार, ये लॉन्ग रूट के लिए है स्पीड फेरी टर्मिनल। इधर की ओर है काटाऊ काटो बच डांग बीच डांग स्पीड फेरी टर्मिनल। चलिए यहाँ से पूछते हैं लोकल टूर कराते हैं या नहीं कराते हैं, चलिए पूछते हैं इनसे, ये देखते हैं, चलते हैं यहाँ पे पूछते हैं। हॉटलाइन, ये देखिए प्लस सिस्टम दिया है, चाहे तो बुक कर सकते हैं। तो ये देख लो यहाँ पे टाइम टेबल है, अभी 5:00 अगर अभी मैं जाऊँगा तो क्या पता यार, दिक्कत हो जाएगा। चलिए देखते हैं टिकट का, पूछते हैं क्या बताते हैं लोग, बने रहिए। ओके ओके थैंक यू ओके थैंक यू। तो मैंने टिकट ले लिए दोस्तों, और मैं जा रहा हूँ दानांग से, जहाँ जा रहा हूँ, मेरी टिकट है एक रिटर्निंग की, एक जाने की, एक जाने की टिकट है। कहाँ जा रहा हूँ मैं, बिना जा रहा हूँ मैं बिचडांग, अभी मैं बिचडांग स्टेशन पर हूँ, बिचडांग से मैं बिना जा रहा हूँ, 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा, और 15 मिनट में मैं उसके बाद आधा एक घंटा वहाँ घूम के मैं यहाँ से क्या कहते हैं कि 6:30 वाली फिर से एक बोट लूँगा, और उसके बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पे बिचडांग, बिचडांग से बिना, बिना में 15 मिनट पहुँच जाऊँगा मैं, एक घंटा घूमूंगा, और उसके बाद फिर मैं बिना से फेरी लेके आ जाऊँगा बिचडांग। तो टोटल जो टिकट का प्राइस बना है वो मेरे को 2 टिकट आने जाने के लिए है 30,000 डॉलर, काफ़ी सस्ता है। चलिए अब टिकट की जाँच कराते हैं, फिर अब चलते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी, आप खाना पीना चाहे तो खा सकते हैं। यहाँ देख लो भाई, यहाँ पे आपकी टिकट की जांच होगी, ये देखो बारिश होने लगी, और यहाँ से मैंने कितने का यार
58,000 डोंग का मैंने ये लिया है ऑरेंज जूस। चलिए पीते हैं। बारिश होने लगी है ज़्यादा, कैसे जाएंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए ये जूस है ऑरेंज, 59,000 डोंग का, बहुत तेज़ बारिश होने लगी बे, सारा मज़ा करके गिरा कर दिया इसने तो। ओहो खत्म, 59,000 10 मिनट में। तो ये देखिए होती है सर्विस, बारिश हो रही है, ये बोट टाइम से जाएगी। और ये देखिए छत, सबको छाता भी दे रहे हैं एक एक, कि आप अपना ट्रिप खराब मत कीजिए, घूम के आइए। ये कितनी अच्छी सर्विस है, यहाँ पे बारिश हो रही है तो जाने के लिए हमें छाता भी दे दिया है। ये देखिए आगे हमारी बोट, आगे दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से, साइगन वाटर बस की राइड करा रहे हैं हम आपको। हेलो, वाह नाइस। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे अंदर भी बैठ सकते हैं। दोस्तों तो मैं अंदर तो नहीं बैठ रहा, मैं बाहर ही बैठूंगा क्योंकि मैं घूमने आया हूँ यहाँ, तो मैं दृश्य देखूंगा। अब देखते हैं बाहर बैठने देते हैं या नहीं। अभी छूट जाएगी हमारी बस थोड़ी देर में। हमारी बस अभी साइगन रिवर वाटर बस स्टॉप से निकल चुकी है, और निकलने का नज़ारा देख लीजिए यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है, लिखा हुआ इधर को साइगन रिवर बस स्टॉप, और सब लोग यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं। और नज़ारा देखिए, बारिश ने पूरा मज़ा ख़राब कर दिया है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है दिखाने का हम कोशिश करते हैं आपको। ये देखिए कितना सिंपल है, आगे का नज़ारा देखिए। भाई थोड़ा सा भगवान बारिश रोक दो यार, सारा मजा किरकिरा कर दे रहे हो आप। देखिए काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए मोबाइल और माइक भिगा भिगा के शॉट ले रहे हैं, क्योंकि ये मंजर दोबारा देखने को नहीं मिलेगा जो कि अभी मिल रहा है। अभी हमारी बोट चल रही है, और इस प्रकार सामने का नज़ारा देखिए, और बीच बीच में जो शॉट आ रहे हैं, जो बिल्डिंग आ रही है, सिटी का नज़ारा आ रहा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। हालांकि इधर की ओर बारिश हल्की हल्की बंद हो गई है, लेकिन अभी 20% बंद हुई है, बाकी बरस ही रहा है। फिर भी मेरा फ़ोन का हालत देखिए पूरा भीग गया है एकदम। जैसा कि अब हम पहुँच गए हैं स्टेशन, स्टेशन का नाम क्या है बताता हूँ, अभी हम निकल गए हैं। ये हमारी बोट है, और तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि 15 मिनट की राइड के बाद हम यहाँ से निकल गए हैं, और ये देखिए हमारी बोट साइगन वाटर बस। इसके चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर घूमेंगे। 6:30 बजे की फिर मेरी वो है यहाँ से बोट, वाटर बोट, उसको पकड़ के हम फिर आएंगे। ये देखिए क्या, साइगन वाटर बस स्टेशन,
तो आप आए तो 30,000 लगते हैं, आना जाना 15,000 जाना 15,000 आना, 15 मिनट के लिए कर लें, अच्छी मेमोरी बनी रहेगी। 6 बज रहा है, आधा घंटा बाद रिटर्निंग की, हम मैं कर लूँगा अपनी बस। चलिए घूमते हैं यहाँ, कुछ खाते पीते हैं और फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। तो देख लिया भैया लोग, यही है अब यहाँ हम घूमे गए। तो भाई हम तो बस बस का मज़ा लेना है, तो चलिए बाहर देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं और घूमते हैं। यहाँ पे होटल भी बहुत सारे हैं, घूमने का क्या क्या है अभी ये तो मुझे नहीं पता, पता करते हैं। यहाँ पे कुछ देखता हूँ, वेजिटेरियन कुछ मिलता है तो खाऊंगा, लेकिन कैश भी तो नहीं है मेरे पास। आइडिया भाई कैसे खाएगा, कोई नहीं तो कैश निकाल लेंगे। और इतने सपोर्ट करते हैं भाई लोग, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं कि फिर क्या दिक्कत। ये ट्रिप तो क्या दोस्त, मैं श्रीलंका की जब से ट्रिप किया हूँ ना, तब से मैं जब भी दिन का ब्लॉग करता हूँ ना, ख़तरनाक वाली बारिश होती है गुरु, भयंकर गर्दा, बहुत तगड़े बारिश होती है। तो सब लोग जितने भी पर्यटक यहीं पे रुके हुए हैं, थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट है यहाँ पे, 10-15 मिनट के रुकते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद रिटर्न चले जाते हैं। ये देखिए जितने भी हैं ना, ये देखिए जितने भी पर्यटक हैं उतने सब यहाँ पे, इधर देखिए फ़ोटो खिंचा रहे हैं, तितर बितर होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। पूरा मेन फोटोग्राफी के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, सनसेट या सनराइज़ देखने यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए अगर सनसेट अभी होने वाला है, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। अभी इस व्यू को देखिए, वो देखिए इधर की और बादल पूरे लाल लाल। शाम के समय में जब सूरज ढलने का टाइम होता है तो उस टाइम पे यहाँ आने का ये सीन बिल्कुल मत मिस कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पर से बुर्ज खलीफा पर लाइट नहीं जलती, वैसे यहाँ की ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में देखिए पूरा लाइट जल रही है। और बगल में ये देखिए प्रकृति कितना अच्छा, लाल एकदम बादल हो गए हैं। और इधर का ब्रिज यार काफ़ी सुंदर और मनमोहक नज़ारा दिख रहा है दोस्तों, आपको बैक कैमरे दिखाता हूँ एक बार, देखो। तो दोस्तों अगर आप सहगंज में रुके हैं, होंची मिन सिटी में रुके हैं, तो इस जगह को शाम को आप बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। ये आपकी फ़ोटोग्राफी के लिए काफ़ी मेमोरी बन जाएगा, मतलब ये आपके फ़ोटोग्राफी के लिए, यहाँ के अगर आप फोटोग्राफी शूट कर लिए मतलब सनसेट टाइम पे, मतलब 5:30 बजे के अप्रॉक्स, तो वो आपका मेमोरी बन जाएगी। इतनी प्यारी फ़ोटो आती है, इतनी प्यारी फ़ोटो आती है ना कि क्या बताऊँ। जब जहाँ भी रुके हैं होंची मिन सिटी में, तो वहाँ से आपको क्या करना है, गोजेक करना है, और आपको आ जाना है इस सायगन वाटर बस स्टॉप पे, ठीक है ना। सायगन आपके वाटर बस स्टॉप पे आ जाएंगे आप, वहाँ से आपको बिना स्टेशन के लिए वाटर बोट लेना है, ठीक है। तो आप वहाँ से आपको बिना स्टेशन के लिए वाटर बस लेना है, ठीक है, BINAHSPATION बिना स्टेशन। मैं इसको बैक कैमरे से अटैच कर दे रहा हूँ, आप स्टेशन को देख लीजिए। तो वहाँ से आपको किसी भी आप जैसे कि, तो जैसे कि आप होंची मिन सिटी से के रिवर साइड से अपना ये वाटर बस लेते हैं, तो आपको 15,000 रुपये जाने का, 15,000 रुपये आने का, ठीक है। तो आप हर आधे घंटे में बस है, ठीक है, उसका चार्ट मैंने लगा दिया है, आप देख लीजिए थोड़ा वीडियो पीछे करके। तो आप आके यहाँ पे आ सकते हैं, स्पेशली लोग यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे लोग फोटोग्राफी खिंचाने आते हैं बस, यहाँ पे आ सकते हैं। एक आदमी का 15,000 रुपये आना, 15,000 रुपये जाना, मतलब 30,000 डोंग में, कोई भारतीय मुद्रा में करें तो 100-150 रुपये के प्रॉप्स होगा। तो 30,000 डोंग में आप यहाँ पे आके फोटोग्राफी कर सकते हैं और शाम को अपनी और मज़ेदार बना सकते हैं, फिर तो आप भोकाली करोगे ही करोगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये मैं बिना वाटर बस स्टॉप का शॉट आपको दिखा देता हूँ। लेकिन भाई साहब यहाँ पे मैंने फ़ोटो खिंचवाया यार, क्या गर्दा फटवाई है वहाँ पे, आग लगा दी आग, या तो जो इंस्टाग्राम पे हो तो पहले ही देख चुके होंगे। ये देखिए चलें अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ आधे घंटे के लिए रुका था, 6:20 हो गए, 6:30 बजे की मेरी बोट है, लगता है वही है बोट खड़ी है, चलते हैं।
तो चलिए दोस्त अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि 6:30 बजे का मेरा टाइम है। तो अब यहाँ से निकलते हैं, अपने चलते हैं होंची मिन शहर की ओर। भारतीय रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, कुछ खाते हैं खाना लोकल खा कर, कहता कि वैसे कल परसों तो मुझे शायद लोकल ही खाना पड़ेगा। तो 6:30 बजे वाला जितना है वो भी जाने वाला है ग्रुप। ये देखिए लाइन लगी पड़ी है, तो चलिए चलते हैं। 60 FPS पे कर दिया, अब तो दिखेगा थोड़ा। ये देखिए आते वक्त बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन जाते वक्त बारिश नहीं हो रही है, बारिश बंद हो गई है, तो मौसम फिर सुहाना हो गया है। ठीक है, ये देखिए फिर हमारी वाटर बस, वाह ग्रेट। अभी हम अपने बोट में आके सवार हो चुके हैं, कोई 15 मिनट पहुंच जाएंगे हम अपने होची मिन सिटी के साइगोन बागा बस स्टॉप। तो बने रहिए। जैसा कि अब हम आ गए हैं वापस जहाँ से हमने ये राइड ली थी, 30,000 डॉन्ग में कोई बुरा नहीं है, आप कर सकते हैं। हम निकल रहे हैं बाहर की ओर। किस प्रकार है बस का नज़ारा है। चलिए देखिए, ये बच डांग स्टेशन है, यहाँ से आप बस वाटर बस लीजिएगा, और ये आपको घूम के फ़ोटो वोटो खिंचवा के आ जाइएगा, ठीक ना। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, ये देखिए बच डांग स्टेशन है, जो कि आपके होची मिन सिटी नाइट लाइफ जहाँ पे आप रुके हैं सागन उसके पास में पड़ता है। वहाँ से आप टुक टुक करेंगे बच डांग वाटर बस स्टेशन के लिए, तो यहीं पर छोड़ देगा वो आपका गोजेक वाला, आपसे शायद 17,000 या 18,000 टॉन्ग चार्ज करें। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ से आपको ये देखिए फेरी है, ये देखिए वाटर बस है जिसमें घूम गए थे, ये बस चूज कर सकते हैं आप। आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मतलब तस्वीरें अच्छी लेना चाहते हैं सूरज ढलने के टाइम पर जाएँ, तो मतलब यहाँ से 5 बजे जाएँ, 5 बजे की बुक करें। ठीक है, 5 बजे जाएँ, उसके बाद आधा घंटा वहाँ रुकें या 1 घंटा रुकें, और उसके बाद ये देखिए ये जाने का टाइमिंग है डेली। ठीक है, इसके बाजू में ही उधर से आने का टाइमिंग है। तो मैं गया था 5:30 बजे वाली, और 6:30 बजे वाली से वापस आ गया था। तो आप 5 बजे वाली जाएँ तो फिर 6 बजे आए, भाई सूरज ढलने के बाद अब जब जा रहे होता तो अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचने के बाद आएंगे, तो 1 घंटा वहाँ रुके, तो 5 बजे वाली पकड़ लें, 6 बजे वाली वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। इसको अगर ऑनलाइन आप बुक करना चाहते हैं, टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं www.saigonwaterbus.com पे जाकर। ठीक है, www.saigonwaterbus.com पे जाकर। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, अगर आप साइगोन में सिटी में आ रहे हैं तो ये ज़रूर करें, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, मज़ा आता है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं हम आगे की ओर, और करते हैं अपने लिए कुछ गोजैक और खाना खाने चलते हैं, क्योंकि जानते हैं रात को ही खाना खाते हैं, रात को खाना खा के दारू पियो फिर वही भौकाली करो, यही ज़िंदगी है तुम्हारे भाई की। ठीक है, यहाँ से सीढ़ी का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, अब ये देखिए पूरा रात्रि का नज़ारा काफ़ी ख़तरनाक है, मैं आपको दिखा। जाम है, एक पल का भी बात रहने का जगह नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बाद मेरे को बहुत क्रॉस करना है, यही कैसे करता हूँ, बड़ी मुश्किल है।
भाई करीब एक घंटे रुकने के बाद पार हो गए यार। एक घंटे से 15-20 मिनट तो रुका हूँ, लेकिन फट जाती है एकदम भाई, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। मेन रोड क्रॉस करने में तो आपको बहुत दिक्कत होती होगी। ये देखिए यहाँ पे कुछ प्रतिमा बनी है, तो यहाँ के राजा महाराजा हैं। केल की तबीयत डाउन लग रही है, पता नहीं क्यों, सोया नहीं शायद इसलिए, तो बॉडी को रिलैक्स चाहिए। देखता हूँ क्या सीन है। इधर कोई एटीएम कहाँ ढूंढता हूँ, एटीएम कुछ मदरा पानी का आहरण कर लूँ, कितना निकाल लूँ, 10 लाख बहुत है भाई। भाई भाई कान फट जाती है यार, इतना कहाँ से चलाते हैं ना। गलती से ही मान के चलो, नहीं करना चाहते, गलती से ही बारिश हुई है, अगर फिसला ब्रेक तो हमारे तो लोड़े लग जाएंगे ना। वही चीज़ है यार, समझते नहीं है बात को, लेकिन क्या होता है, रूल यहाँ पे बनाना चाहिए ना गवर्नमेंट। और भी कंट्रियाँ बनाई हैं, थाईलैंड बनाया है, कंबोडिया बनाया है, और यहाँ से भाई अब लग रही है भूख, तो चलते हैं यहाँ से। मैं गोजेक करता हूँ और चलता हूँ वहीं नटराज में खाना खाता हूँ। ये देखिए मेरा वो गोजेक आ गया। दोस्तों ये देख सकते हैं, अभी हम नटराज रेस्टोरेंट में, और आज हमने ऑर्डर किया है ये आपका आलू पालक और ये वन नान, बहुत बड़ा नान है, खा सकते हैं, तो चलिए इसको खाते हैं और उसके बाद अपन चलते हैं आगे। ये रेस्टोरेंट का वीडियो तो आपने खुद ही कल की वीडियो में देखा होगा, वही रेस्टोरेंट है नटराज रेस्टोरेंट। सो दोस्तों अगर वॉकिंग स्ट्रीट में आप नहीं रुकना चाहते, थोड़ा वॉकिंग स्ट्रीट से दूर रुकना चाहते हैं, तो रिलैक्स के लिए काफ़ी अच्छा एक हॉस्टल है, ये है लाका हॉस्टल, तो आप इस हॉस्टल में रुक सकते हैं। इस हॉस्टल में रुकने का आपको ये फ़ायदा होगा कि इसके इस हॉस्टल के बगल में आप दाएं साइड मुड़ेंगे तो अगल में ही इंडियन रेस्टोरेंट है, नटराज इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप कहीं भी रुकोगे आप खाना खाने आपको यहीं आना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाजू में ही है, तो आप यहाँ रह सकते हो, खाना खा सकते हो, सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो, तो आप चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हो। लिए खाना पीना खा के और साइगन का वाटर बस घूम के हम आ गए हैं अपने वॉकिंग स्ट्रीट के पास। इसी साथ ही वीडियो हो गया बहुत ज़्यादा लंबा, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। यह था हमारा आज का वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी के सिटी टूर का दिन का वीडियो और कुछ जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछता है, कुछ सवाल है, तो कमेंट के माध्यम से पूछे, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो अर्थात अगली वीडियो में एक और नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। जिन लोग मेरी माल को देख रहे हैं भाई, देख लो ये, देख लो भाई, यहाँ की कोई भी लोटियाँ ले लो ना वियतनाम की, वो भाई उनकी झाड़ बड़े 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 झाड़ बनाती ही नहीं है।